मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर नीमच होते हुए नागदा पहुंचे। नागदा पहुंचने के साथ नागदा कांग्रेस पार्टी के दिलीप सिंह गुर्जर के द्वारा बड़ी गर्म जोशी के साथ सिंधिया का स्वागत किया गया। नागदा पहुंचकर सिंधिया ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत खराब है, पानी से किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है और किसानों को इस समय मदद की अति आवश्यकता है। हम सबको मिलकर मदद करना है। इस समय किसानों पर जो आपदा आई है उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से भी उचित मुआवजे की गुजारिश की है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आज उदयपुर से नीमच मंदसौर जावरा पूरे क्षेत्र करते हुए अभी नागदा पहुंचा हूं। मैं उज्जैन जा रहा हूं, यहां से आज रात को ट्रेन पकड़ के ग्वालियर जा रहा हूं। कल भिंड मोरेना बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा हूं। बहुत बुरी आपदा आई है नागदा के क्षेत्र के वासियों को भी मैं कहूँगा हम सबके साथ में मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आप लोगों के रिश्तेदार भी वहाँ होंगे मदद करना है। सरकार की तरफ से भी मैंने कहा है कि पूरी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, बीमा राशि भी मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार की भी मदद होनी चाहिए और इस समय में हम सबको जनसेवा की सोच विचारधारा के साथ इतनी अच्छी कहानियाँ मैंने सुनी जहाँ हमारे कार्यकर्ता हमारे जनसेवक रस्सी रस्सी बांध 10-10 फुट पानी में जाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नाव में जाकर बचाया लोगों को। यही वो कहानियाँ हैं जिनको हमें जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और यही भावना होनी चाहिए। इसी से जनता का विश्वास भी हमारा बढ़ेगा और इसी तरह से जनता की सहायता करने में हम अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।